हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो टुडे वी आर हियर, आज हम देखने जा रहे हैं ये बढ़िया था गुरु एंड द ट्रेंडिंग मीम्स फ्रॉम द चैनल लास्ट नाइट। तो उनके चैनल पे आज हम आए हैं मतलब बढ़िया ताज़ा से मीम्स देखने के लिए। और इसके पहले मतलब जो मीम इनके हमने देखे थे यार बहुत सही थे, आई लव देम। तो मैं आज भी वही एक्सपेक्ट करती हूँ कि चुम्बेश्वरी मीम तो उससे भी बढ़िया। सो लेट अस सी हाउ लास्ट नाइट के मीम्स आर गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। आप मुझे ये बताइएगा वो कौन सी चीज है जो हर चीज को डबल कर देती है? हर चीज को डबल कर देते हैं। अगर आपने आंसर दे दिया हम आपको निस्वार गिफ्ट करेंगे। निस्वार ही आपने क्यों शामिल किया? कोई चीज ही चीज कर नहीं, वो आपके दांतों को देख के मुझे लगा निस्वार देनी चाहिए आपको। तो भी मैं देख कर मुझे कुछ और देना पसंद करता हूँ। बहुत रामी है। करना चाहते हो तो अपने पसंदीदा हथियार चुन लो। निंजा के असली दोस्त उसके हथियार होते हैं, इसलिए उसे हथियार से लड़ने आना चाहिए। ध्यान से सुनो, दुश्मनों के अड्डे पर जाओ, हमला करो और अपने हथियारों का इस्तेमाल करो ताकि वो हार मान ले। जाओ जल्दी आओ। आगे मारू, भूख नहीं लगी? चलो चलकर कुछ खा लेते हैं। पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है ना। ए आइडिया लगाना पड़ेगा। रास्ते को मार, रास्ते में कोई भी हथियार उठाओ, बस 10 रुपए में। सबसे असली डिफरेंट पर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम ये में रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर सिस्टम पार देंगे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और पानीपुरी खाती हो? पानीपुरी हाँ खाती हूँ ना। ठीक है, आप मेरे साथ चलोगे पानीपुरी खाने? हाँ चलूंगी। ठीक है, आप पानीपुरी खाना और मैं आपके गोलगप्पे खाऊंगा। शादी करना चाहता है तुझसे है? हाँ। हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाथ धो के तेरे पीछे पड़ा है तो तू मुंह धो के उसे पीछा छुड़ा लेती है। कमाल बात किया। मेरा आपसे एक सवाल, इस सवाल में भूल जाऊंगा। कभी ऐसा हुआ, क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी लड़की को कहा हो फोन पे कि जहाँ तुम्हें होना चाहिए था वहाँ अब हाथ होता है? अच्छा एक सेकंड, एक मुझे एक बात बताएं जी। मोबाइल की क्या अहमियत है आपकी जिंदगी में? कितना मोबाइल यूज करते रात को? मैं बहुत गंदी आदत है मुझे। हाँ? है? मतलब मैं अगर यूज कितनी देर की वीडियो होती है तकरीबन? लाहौर फिरदौस मार्केट के इलाके में भीख मांगने वाले भिखारियों ने आपस में पैसे इकट्ठे करके सड़क पर लगा सरकारी सिग्नल ठीक करवा दिया है। भिखारियों का कहना था कि सिग्नल खराब होने की वजह से गाड़ियां ब्रेक नहीं लगाती, जिससे हमारा धंधा मुतासिर हो रहा था। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ पर क्या? भाई ये क्या हो रहा है? भाई भाई मुझे प्रॉब्लम बना। भाई ये मुझे आगे निकाल। भाई ये ट्रेन भाई तो भाई मुझे छुट्टी बंद कराया था उसने। क्या चल रहा है? जाकर शिमला मिर्च के पौधों को पानी दो। ये लो पानी। हमें अफसोस है कि आपके पति नहीं रहे, पर अच्छी बात यह है कि मैं सिंगल हूँ। अरे साले, आपको किसी पे शक है? पर मुझे तो लगता है यही कातिल है। खूबसूरत है, कातिल तो लगेगी ही। आधाएं देख ब्रो। अरे बस वाले बाबू, मेरा भी टिकट काट दो। उधर कहाँ जा रहे हो? टिकट काउंटर यहाँ है भैया, यहाँ है। ओ इधर है, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूँ ना। अरे तो तुम काहे को बस में चढ़ रहे हो भैया? तुम्हारे जैसे लोग बस के ऊपर नहीं चढ़ते, बस तुम्हारे ऊपर चढ़ती है। जाओ जाके बस के नीचे लेटो। ये गलत है, देखो देखो ये गलत है। कितनी क्यूट है यार, हाय। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर। मस्ती में फिर भी काम किया, बेटा खड़ा किया पिल्लर। साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेटा थ्रिलर। में दिन रात मस्ती में फिर भी काम किया, बेटा खड़ा किया पिल्लर। पप्पू एक बाबा के पास गया और अपनी परेशानी बताते हुए बोला, बाबा मैं थक गया हूँ जॉब के लिए इंटरव्यू देते देते, लेकिन कहीं पर भी मेरी नौकरी नहीं लग रही है। बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे पैसे ही पैसे हो जाए। बाबा जी अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए बोले, चिंता मत करो बालक, एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जितनी बार बोलोगे उतनी बार धन की प्राप्ति होगी। पप्पू खुशी से उछलकर बोला, तो जल्दी से बताइए बाबा, वो मंत्र कौन सा है? भगवान के नाम पर कुछ दे दे रे बाबा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। वाह, उसको तो किस्मत खुल गई। आप गलत कर रहे हो, अपने साथ मत करिए, हमको अलग है। कहना क्या चाह रहे हो? हमारे यहाँ ऐसा ही होता। हेलो भाई क्या हाल है? हेलो भाई क्या हाल है? हरियाणा से हो ना आप? हाँ बिल्कुल भाई, कैसे हो आप? कहाँ से हो आप? हरियाणा से। हरियाणा से हूँ मैं, सोनीपत। सोनीपत? और भाई क्या ढंग से? बस बढ़िया है भाई, सिस्टम है। आप कैसे हो? अरे भाई सिस्टम पाड़ देंगे अपन, सिस्टम पाड़ देंगे बिल्कुल। मीटर कैच किया भाई। भाई आपको तैरना आता है? तैरना आवे। आवे भाई आवे। तो तुम में और टट्टी में फर्क क्या रहेगा? तैर तो टट्टी भी लेती है। हम डूब भी जाते हैं भाई। तो तुमसे बड़ी टट्टी है, कम से कम तैर तो लेती है। आइए देखते हैं मजा। क्या सवाल मेरा ताबिश भाई आपसे है। आपने अपने रिसेंट पॉडकास्ट में बताया था कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा अमाउंट डिमांड करते हैं आने के लिए, 1 करोड़ या 20,000 डॉलर। तो इन्होंने कितने अमाउंट आपसे डिमांड किया? भाई यार, ये 1 करोड़ या 20,000 डॉलर कौन मांग रहा है और मुझे क्यों नहीं बुलाया? भाई वो एक तो बड़े आर्टिस्ट तुम्हारे शो पे आ रहे हैं, आई तो नहीं रहे, यही तो मसला। मांग रहे हैं 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। औकात के हिसाब से फिर बुलाओ ना। आ गए ना हम औकात में। इमोशनल डैमेज। ओके, लास्ट नाइट की फिल्म्स यार एक से बढ़कर एक। मैंने बोला था ना, चुम्मेश्वरी थे सच्ची में। आई लव देम। वो हाँ, वो लड़की और लड़कों का स्कूल जाना, आई नो दैट, दैट्स लाइक सो ट्रू। मतलब मेरे यहाँ पे पिछले 4-5 सालों से यही होता चला आ रहा है और मेरे को बहुत सही लगा। और वो जो ट्रक का था, मेरे को लगा था वो एक्सीडेंट हुआ है तो सामने टाटा का ट्रक होगा, मतलब एंड ऑल दैट। चले जा रहा भाई, किसने कर दिया एक्सीडेंट इतना बड़ा? ओ भाई, इंश्योरेंस वाले कंपनी ने तो मतलब वो तो मर ही गया होगा भाई, भरते भरते इंश्योरेंस दे, मतलब पैसे देते देते। हाय हाय मज़ेदार बीतते हैं। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा ID नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।